गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल। टूडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7th। चैप्टर नेम इज विंडोज 7। एज यू कैन सी इट्स नेम विंडोज 7, सो इसके नेम से ही पता चल रहा है इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे अबाउट विंडोज 7 के, विंडोज 7 के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन विंडोज यू कैन लोकेट योर फाइल एंड फोल्डर आइदर इन डॉक्यूमेंट फोल्डर और विंडोज एक्सप्लोरर, कि आपको अपने जो फाइल्स वगैरह मिलती हैं, जो आपको अपने फोल्डर्स वगैरह मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, या तो आपको डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर मिलते हैं या फिर आपको विंडो एक्सप्लोरर के अंदर आपको मिलते हैं। डॉक्यूमेंट फोल्डर इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर व्यूइंग अ फोल्डर और विंडोज एट अ टाइम, कि जो डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, कि मतलब ईजिली ओपन हो जाता है। इसलिए विंडोज एक्सप्लोरर इज़ यूज टू व्यूइंग एक्सप्लोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स इन अ कंप्यूटर, लेकिन जो विंडो एक्सप्लोरर होता है उसके अंदर हम अपनी फाइल्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई अगर और फाइल हो, कोई और फोल्डर हो, कोई और सब फोल्डर हो, उसको हम ईजिली ओपन कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं मीन्स उसको। नेक्स्ट वन, हम इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं कि और जैसे फाइल के अंदर हमें और फाइल डालनी है, फोल्डर के अंदर हमें सब फोल्डर अरेंज करना है, वो भी हम ईजिली कर सकते हैं। So, Window Explorer enables you to display directory structure that include drive, folders and files. इसीलिए हमें ये directory structure के अंदर हमें enable करता है कि हम अपने file folder को directory structure के अंदर enable उसको files को organize कर सकते हैं। Next topic is our starting Windows Explorer, कि Windows Explorer को हम open कैसे करेंगे, हम start कैसे करेंगे। For starting Windows Explorer, we have here some pictures for you. You can see here, it is the front page of your monitor screen. So in this, our first step is click on Start button. You have to click on the Start button first step. Then second step, click on All Programs. Here you can see here is the option of your All Program. Then second step you have to click on the All Programs. Next step, then choose the option of accessories. Third step is you have to choose the option of accessories. Then after opening the accessories, you have to click on the Window Explorer option. Okay, after open the accessories option, there is an option of a Window Explorer, then you have to open the Window Explorer option. Then when you click on the Window Explorer option, जैसे ही आप Window Explorer के option के ऊपर click करेंगे तो आपको एक ऐसी window open हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। ये आपकी किस चीज़ की window है, Window Explorer, कि हमने window को और भी ज़्यादा explore कर दिया, उसके अंदर जो files हैं, जो folders हैं, जो सब folders हैं उनको हमने open कर दिया। Okay, this is your Window Explorer option, Window Explorer. विंडो एक्सप्लोरर की जो आपकी विंडो होती है, जो इमेज होती है, ये आपकी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, टू पैन्स के अंदर डिवाइड होती है। दिस इज योर लेफ्ट पैन, दिस इज योर राइट पैन। जो आपका लेफ्ट पैन होता है इसको हम नेविगेशन भी बोलते हैं, नेविगेशन पेन भी बोला जाता है। जो राइट पैन आपका होता है इसको आप क्या बोलते हैं, टास्क पैन भी आप इसको बोल सकते हैं, टास्क पैन। एंड जो आपका लेफ्ट पैन होता है इसको आप क्या बोल, सो जो आपका राइट पैन होता है, राइट पैन आपका क्या डिस्प्ले करता है, जो भी हम यहाँ से लेफ्ट पैन के अंदर से जो भी हम फाइल्स फोल्डर को ओपन करेंगे, दिस इज़ आवर लेफ्ट पैन। लेफ्ट पैन के अंदर से हम जो भी फाइल फोल्डर, जो भी ड्राइव हम ओपन करेंगे, उसका कंटेंट कहाँ शो होगा, राइट पैन के अंदर। जो भी हम यहाँ से ओपन करेंगे, लेफ्ट पैन से जो भी हम ओपन करेंगे उसका कंटेंट कहाँ शो होगा, राइट पैन के अंदर। ओके, इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास कुछ साइंस हैं। दीज टू साइंस आर अवेलेबल इन योर बुक, इन योर विंडो एक्सप्लोरर विंडो ऑल्सो। ओके, ये आपके पास टू ऑप्शन, टू टाइप के ट्रायंगल्स होती हैं, वन दिस टाइप, वन दिस टाइप। इन ट्रायंगल्स को क्या बोला जाता है, ये ट्रायंगल होती है आपकी क्लोज्ड, इसको बोला जाता है आपका ओपन। ओके, अगर मान लो आपकी ये क्लोज विंडो है, अगर ऐसा कोई साइन आपको मिल रहा है लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये इसके सामने क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपरली, वॉच आप यहाँ कर सकते हैं, ये आपकी क्या है, एक विंडो, एक क्लोज ट्रायंगल है, एक है आपकी ओपन ट्रायंगल।
क्लोज ट्रायंगल के अंदर आपका क्या होता है कि जो हमारे इसके अंदर हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर हमारे और भी फाइल फोल्डर सब फोल्डर्स हैं। क्लोज के अंदर हमारा पता चल जाता है कि इसके अंदर और भी हमारे, जब हम इसको ओपन करेंगे तो और भी इसके अंदर सब फोल्डर फाइल्स डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड फाइल्स काफ़ी सारी फाइल्स हमारे उसके अंदर हमें मिल सकती हैं। बट जो ऑलरेडी हमारी ओपन फाइल होती है जिसके अंदर हमें ऐसा साइन मिलेगा, तो उसके अंदर हमारा क्या है, वो लास्ट फाइल है, उसके अंदर हम इस फाइल को, इसके अंदर कोई भी और फाइल एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, आप इसको चेंज भी कर सकते हो इस फोल्डर से आप इस साइन के अंदर, या इससे आप इसके अंदर भी आप इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में चेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर, सो दिस वन टॉपिक इज आवर डन, स्टार्टिंग विंडो एक्सप्लोरर एंड व्हाट इज इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर व्यूइंग फाइल्स और फोल्डर, कि फाइल्स और फोल्डर्स को आप कैसे व्यू कर सकते हैं। ओके, इन द टॉपिक व्यूइंग फाइल्स और फोल्डर वी हैव सो मैनी ऑप्शंस आर देयर, लाइक कि जो हमारी व्यूइंग फाइल और फोल्डर का मीनिंग क्या होता है, कि हम जो हमारी ये फाइल्स और फोल्डर्स हैं उनको आप कैसे कैसे व्यू कर सकते हैं। लाइक जो आपकी फाइल्स हैं, ये जो आपके फोल्डर्स, इनको आप कैसे व्यू कर सकते हैं, अभी कैसे शो हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपके शो हो रहा है, अब हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लार्ज आइकन्स के अंदर लेके जाना है, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट आपको चाहिए, डिटेल आपको चाहिए, टाइल्स फॉर्म में आपको चाहिए, कंटेंट आप फॉर्म में आपको चाहिए, किस फॉर्म में आपको ये देखना चाहते हैं, वो आप इसके अंदर वॉच कर सकते हैं। ओके, इन योर बुक वन बाय वन एक्सप्लेनेशन इज आल्सो गिवन, लाइक सबसे फर्स्ट इज योर एक्स्ट्रा लार्ज एंड लार्ज आइकन्स। एक्स्ट्रा लार्ज और लार्ज आइकन्स के अंदर क्या होता है, हमारे काफ़ी जो आइकन्स ये हमारे गिवन है, जो हमारे आइकन्स गिवन है, ये काफ़ी ऐसे लार्ज फॉर्म में आपको शो होते हैं। एज़ यू कैन सी हियर हियर, जो आपके आइकन्स हैं ये काफ़ी लार्ज फॉर्म में आप इनको यहाँ प्रॉपरली वॉच कर सकते हैं। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज़ आवर मीडियम आइकन्स, कि जो आपके मीडियम आइकन्स हैं, ये मीडियम आइकन्स के अंदर क्या होता है, आपके जो आइकन्स हैं वो बिल्कुल मीडियम फॉर्म में शो होते हैं। ये थोड़ा शेयर में भी स्मॉल फॉर्म है, इसके मीडियम फॉर्म में आपके अंदर आपका ये शो होते हैं। नेक्स्ट वन योर स्मॉल आइकन्स, बिल्कुल स्मॉल आइकन्स आपको इसके अंदर शो होते हैं, अगर इफ़ यू सेलेक्ट द आइकन्स इन स्मॉल आइकन फॉर्म। नेक्स्ट वन इज़ आवर लिस्ट, लिस्ट आइकन्स के अंदर क्या होता है, हमारे इनके अंदर जो नेमिंग की लिस्ट बन जाती है, जैसे हमें यहाँ पे नेमिंग शो हो रही है, ऐसे आपके जो फाइल फोल्डर्स हैं इनकी ऐसे हमारे यहाँ पे लिस्ट बन जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने आपके आइकन्स यहाँ होंगे। नेक्स्ट वन इज योर डिटेल, डिटेल के अंदर क्या होगा, आपकी डिटेल इसके अंदर शो करने लग जाएगी, जैसे हमारी इसके अंदर लिस्ट होगी, लिस्ट कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6 7 ये फाइल का साइज़ कितना है ये हमारा यहाँ पे शो कर देगा, 0 KB है, 0.5 KB है, 2 MB की फ़ाइल है, कितना फ़ाइल आपका यहाँ होगा, डेट भी शो कर देता है कि कब आपने ये फाइल फोल्डर बनाया था, और नेम शो कर देता है, टाइप आपका इसके अंदर होता है, साइज़ होता है, डेट होती है कब आपने इसको मॉडिफाई किया था। ओके, नेक्स्ट वन इज़ आवर टाइल्स फॉर्म, टाइल्स फॉर्म्स के अंदर क्या होता है आपका, इट डिस्प्ले फाइल्स एंड फोल्डर एज मीडियम साइज आइकन, इसके अंदर मीडियम साइज़ के आपके आइकन्स होते हैं, यू कैन सी हियर ऑल्सो मीडियम साइज़ के यहाँ आइकन्स होते हैं। इट ऑल्सो डिस्प्ले द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑफ द फाइल प्रेजेंट सच एज इट साइज एंड टाइप्स, साथ ही साथ इसका टाइल फॉर्मेट के अंदर क्या होगा, इसका टाइप भी शो करेगा एंड इसका साइज़ भी शो करेगा, कितने साइज़ की फाइल है, कितने टाइप की आपकी ये फाइल है। नेक्स्ट वन इज आवर कंटेंट, कंटेंट व्यू के अंदर क्या होता है, इट डिस्प्ले ईच फाइल एंड फोल्डर ऑन अ सेपरेट रो अलोंग विद देयर डिटेल इन्फॉर्मेशन लाइक डेट मॉडिफाई साइज ऑथर एक्सेट्रा, हर एक अलग अलग लाइन के अंदर ये आपका शो करेगा, लाइक फर्स्ट इज योर हेयर, इसके बाद इसकी डिटेल्स होंगी, सेकेंड फोल्डर यहाँ होगा, उसके बाद उसकी डिटेल्स होंगी, ऐसे आपका कंटेंट फॉर्म के अंदर ये आपको शो होगा। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस like you can see here also medium small icons, आपके यहाँ ये icons कुछ show हो रहे हैं। next one is our list, detail, tiles, जैसे आपकी detail में अगर show करता है तो detail में आपकी ऐसे means list आपकी ऐसे बनेगी, detail आपकी show करता है तो साथ में यहाँ पर list बनाने के साथ साथ आपके यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ detail का option हो जाएगा, size का, type का, और डेट मॉडिफाई का यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा था कंटेंट, कंटेंट के अंदर साथ में ऐसे आइकन शो होगा, साथ में उसके डिटेल शो हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, विद दिस आवर टुडेज टॉपिक ऑफ व्यूइंग फाइल्स एंड फोल्डर एंड स्टार्टिंग विंडो एक्सप्लोरर आवर टॉपिक इज डन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डन इट्स नेक्स्ट टॉपिक्स विच आर
working with control panel, changing date and time, and next one about fonts, next one my mouse is not working, and next one our using on-screen keyboard, and next one changing the mouse settings. This topic we will do in the next video. So thank you students for today's. Thank you for watching.